ईद उल फितर की तैयारी हो चुकी है, अब हम लोग की नमाज़ की तैयारी हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं ईदगाह में नमाज़ पढ़ने। अगली मुलाकात हम लोग की ईदगाह में होगी। वैसे ही दुनिया के अंदर मामला होता है, इसलिए हम अपने उस पालनहार को कभी न भूले, उस अल्लाह के साथ राहिब को हमेशा याद रखे कि सबसे बड़ा मालिक वही है, सबसे बड़ा खालिक वही है, नफे और नुकसान का मालिक भी वही है। हमारे आपके शाने से कुछ नहीं होता, हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे अल्लाह ना चाहे कोई माई का लाल नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसका यकीन होना चाहिए। दोस्तों, हम उस अल्लाह के दरबार आली में हाजिर हुए हैं इस उम्मीद पर हाजिर हुए हैं कि आज हम सबकी मसीहत हो जाएगी। अगर से हम गुनाहगार हैं, यकीनन हम गुनाहगार हैं, मगर इस मजमे के अंदर ऐसे अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के सालेह बंदे, अल्लाह के मुकर्रम बंदे ऐसे मौजूद हैं जिनके सदके में, जिनके तुफैल में हम सब की बख्शिश हो जाएगी, हम सब की बख्शिश हो जाएगी। इसलिए आज अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ईद उल फितर की नमाज़ अदा हो गई है और मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखिए हमारे घर पे आज क्या बना है। ये देखिए छोला है, दही बड़ा और सेमई, और ये शाही टुकड़ा, आज में तमाम वो सारी चीज़ें हैं। चटनी है, मसाले हैं, चलिए आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक हो।